कैल्शियम, हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हड्डियों की मजबूती से लेकर के दांतों की मजबूती तक, इन सभी चीजों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में भी कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, इसकी पूर्ति के लिए हम कौन कौन से फूड आइटम्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है मेघा एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी लाइव। बोन्स के विकास और मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ बच्चों या बुजुर्ग में नहीं, अडल्ट्स में भी सभी एज ग्रुप को कैल्शियम का भरपूर सेवन करना चाहिए। ये बोन डेंसिटी को कम होने से रोकता है, उम्र के साथ साथ जैसे हड्डियां पतली होने लगती हैं उससे भी हमें बचाता है, इसके साथ ही फ्रैक्चर के खतरे को भी आगे चलकर कम करता है, और जिन महिलाओं में एज के साथ साथ ओस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है उन्हें भी इस प्रॉब्लम से बचाने में कैल्शियम हेल्प करता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद औरतों में ओस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और एक एज के बाद सभी की जो बोन डेंसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए कैल्शियम का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, दांतों की संरचना के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिन बच्चों में दांत ग्रो हो रहे हैं उनके लिए, साथ ही जिन बुजुर्ग लोगों में दांत से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है एज बढ़ने के साथ साथ, उनके लिए भी कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम हमारे दांतों को स्ट्रांग करता है और दांतों के मसल्स को भी स्ट्रांग करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही मांसपेशियों के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपके मसल्स में ऐंठन, दर्द, इन सब की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में मांसपेशियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा ऐंठन ना हो, दर्द ना हो, और आपकी मांसपेशियां लचीली रहे, फ्लेक्सिबल रहे, मजबूत रहे, तो आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप नियमित रूप से कैल्शियम को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है, इसके साथ ही हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। जो यहाँ हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है, और भी दिल से जितनी जुड़ी बीमारियां होती है अगर आप कैल्शियम भरपूर मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो वो कम हो जाती है। साथ ही हमारे शरीर के बहुत सारे शारीरिक कार्यों के लिए भी कैल्शियम का भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो आपकी एनर्जी बरकरार रखेगी और आप डे टू डे के डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। देखिए, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज इन सभी को अपने डाइट में शामिल करें। दूसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, इस तरह के जो साग होते हैं उसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नट्स और चिया सीड्स, नट्स में बादाम, अखरोट और चिया सीड्स, ये तीनों भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स है और इसे आपको अपनी डाइट में जरूर कंज्यूम करना चाहिए। लास्ट, मछली, मछली भी कैल्शियम का काफी अच्छा सोर्स है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैल्शियम आपके लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी पूर्ति के लिए हम क्या क्या अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल NBT Life को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।